हेलो गाइस, माय नेम इज लितेश। तो मैं आज आया हूँ नेहरू म्यूज़ियम, जो आईटी खड़गपुर के अंदर है, जो टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम के नाम से फेमस है। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, अंदर को देखते हैं कि आईटी का म्यूज़ियम कैसा है। Nehru Museum of Science and Technology, which was opened on August 3, 1990 by Rusi Modi. It was opened in the memoriam of Santosh Kumar Mitra and Tarkeshwar Sen Gupta, who all were the freedom fighter of our national movement. फ्रेंड्स, मैं नेहरू म्यूज़ियम के एंट्रेंस डोर के सामने हूँ। चलिए चलते हैं इसके अंदर और इसको नेहरू म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं, कैसा है और कितना बड़ा है। इट इज़ इन अ मैप ऑफ इन साइड ऑफ नेहरू म्यूज़ियम। इलेक्ट्रिकल कैरम बोर्ड, गुड यार। It is in a bouncing of a parabolic wall. This experiment is explaining about the Pythagoras theorem. हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। Pi radian probability curves. It is in a probability curve experiment regarding it. So चलिए देखते हैं कि probability curve. This experiment is showing about the experiment of integration, that how can we complete the area of a circle. It is an azeotrope. बचपन में इसके बारे में पढ़ा था, आज एक्सपेरिमेंट होते हुए भी देख लिया। इट इज ये डॉक्टर रॉबर्ट एडोल्फ क्रोस और उनके इन्वेंशंस, पैरेलल लिंक कपलिंग, ग्रुप डिस ओल्डहैम कपलिंग, विन प्लेट कपलिंग, स्लॉटेड इन कपलिंग। Hotch York mechanism, group face cam 1, sliding plate Oldham coupling, cam follower mechanism, link and spacer coupling, crank and rocker, crank and cross rocker mechanism. These all are the mechanism developed by the professor R.A. Cross. With word quick return mechanism, slotted disc Oldham, चलिए देखते हैं लॉज ऑफ मोशंस के एक्सपेरिमेंट कैसे हैं। यह तो बहुत दिलचस्प एक्सपेरिमेंट लग रहे हैं, चलिए करके देखते हैं।
ये एक्सपेरिमेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है न्यूटन का। ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिमोन्स्ट्रेट करता है न्यूटन से आपका। This law demonstrate about the third law of motion of Sir Isaac Newton. Gravity well experiment, चलिए इस experiment को करके देखते हैं। कंजर्वेटिव एंगुलर मोमेंटम, इस सब चीज के बारे में हम लोगों ने 11th क्लास में तो पढ़ा ही था और आज एक्सपेरिमेंटली देख भी लिया। चलो उस समय टीचर ने एक्सपेरिमेंट नहीं कराया था, IIT आने के बाद यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते हुए देख लिया हम लोगों ने। इट इज एन लेजी चैनल एक्सपेरिमेंट। It is demonstrating about eddy current. ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म वाला एक्सपेरिमेंट मैंने किया है। मैं एक छोटा सा मोटर लेता था प्लस उसके बाद उस साइकिल के पहिए से घुमाता था, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता था। चलिए देखते हैं इसको करके। माय फेवरेट एक्सपेरिमेंट इज दिस ऑल। या यू कैन सी दैट देयर इज फ्लक्चुएशन इन करंट। यू कैन सी दैट देयर इज फ्लक्चुएशन ऑफ करंट। मैं जब ये व्हील को रोटेट करता हूँ तब रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ओके मैन,
यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है जो इंडिया में यूज़ हुए थे कभी, B777-1889 दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नाउ इट इज़ एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट्स लोकेशन इट इज़ इन रेलवे म्यूजियम दिल्ली, एंड B26-1870 में लोकेशन नेशनल रेलवे म्यूजियम दिल्ली, मेकर बैंडविन लोकोमोटिव वर्क्स फिलाडेल्फिया 1947 अर्लीस्ट लोकोमोटिव ऑफ इंडियन रेलवे, वल्कन फाउंड्री यूके, they all were the Indian Railways engines. It is the exact copy of WAG 9. मेरे को याद है बचपन में मैं रेलवे स्टेशन जाया करता था ताकि मैं ट्रेन देख सकूँ. उस समय ट्रेन्स में मेरी बहुत दिलचस्पी थी. चलिए चलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के अंदर, देखते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट्स कैसे डेवलप हुए और किस प्रकार के थे. PSLV, which was developed by India. Computations of the computers. Mechanical and electronic calculators, जो IIT खड़गपुर में इस्तेमाल किया जाता था. Storage devices, which all are used in computer from first generation to this generation. Computers used in IIT Kharagpur over years. This all are the computers jo IIT Kharagpur mein istemal kiya jata tha since from 1951 to 2022. A Param 10,000 hai jo super computer hai jo India mein hi bana tha. It is a modern computer of this generation. So friends, finally it is an end of vlog. If you like this video, like, subscribe and share. And if you're watching this video in Facebook, like and follow me and share this video to everyone.